गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीडीसी पति मोहम्मद सरफराज को गोली मारने वाले तीनों अपराधी गिरफ्तार। न्यूज 9 टाइम्स गोपालगंज से विकास कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिगना ढाला के पास से मोटरसाइकिल सवार रवि कुमार साह पिता अनवत साह छाप थाना मीरगंज जिला गोपालगंज एवं छोटू कुमार पिता स्वर्गीय कालीचरण राम मुरेडा थाना हथुआ जिला गोपालगंज को एक सेमी ऑटोमेटिक देसी पिस्टल दो जिंदा गोली चाकू एवं मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक अन्य साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त रवि कुमार साह एवं छोटू कुमार से पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि दिनांक 12 मार्च 2022 को शाम 6:30 बजे मीरगंज थाना क्षेत्र में फेडरल बैंक के पास से जान मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगने के लिए गोली चलाने श्रीपुर ओपी अंतर्गत बीडीसी पति मोहम्मद सरफराज को गोली मारने और मोटरसाइकिल लूट की घटना में अपनी संलिप्तता बताई है। बरामद मोबाइल फोन में व्यवसायी अनिल कुमार को रंगदारी के रूप में रुपए मांगने का साक्ष्य पाया गया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों द्वारा बीडीसी पति सरफराज को गोली मारने के लिए पूर्व प्रमुख पति साजिद अंसारी द्वारा एक डेरवा ग्राम के अली शेर के घर पर 3 लाख रुपए सुपारी दी गई थी। दो बड़ी घटनाओं का खुलासा किया जा रहा है आप लोगों के समक्ष। एक तो रंगदारी की घटना है मीरगंज थाना अंतर्गत, पिछले इस 12 तारीख को मांगी गई थी। आए दिन कई रंगदारी की मांगने की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें से एक घटना वो भी शामिल थी। दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी 4 दिसंबर 2021 को, जिसमें फुलवरिया प्रखंड के जो प्रमुख हैं अभी सरफराज, उनके जान मारने की नीयत से उनको फायरिंग की गई थी और जिसमें वो जख्मी हुए। उस घटना का पूरा खुलासा अभी गोपालगंज पुलिस कर रही है। इस घटना में जो शूटर थे वो दो शूटर थे, एक का नाम सुजीत है और एक का नाम शहबाज है, जिसमें शहबाज पूर्व से ही जेल में है अभी। और इसमें जो इस पूरे जो उसके आने और जाने के स्थल था उसकी रेकी की गई थी दो व्यक्तियों के द्वारा, एक रवि है और दूसरा शमशेर है। शमशेर की हत्या पिछले कुछ दिन पहले बरहिया थाना में हुई थी और इसमें जो मुख्य जो सुपारी दी गई थी, एक साजिद नाम का है जो पूर्व प्रमुख का पति है, उसने 3 लाख में सुपारी दी थी। और जो मीडिएटर था अली शेर मियां, जिसकी उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, 3 लाख रुपए में पूरी बात तय हुई थी। और अली शेर मियां के बयान पर जो घटना में प्रयुक्त जो बुलेट थी सफ़ेद रंग की बुलेट, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और ये घटना कैसे खुली उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। कल मीरगंज थाना अंतर्गत जो जिगना ढाला है वहाँ से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई और वहाँ उनके पास से एक मोबाइल और एक पिस्टल बरामद हुआ। और इसी पिस्टल से इन्होंने 2-3 दिन पहले मीरगंज मार्केट में फायरिंग भी की थी और जिस मोबाइल से वो रंगदारी मांगे थे वो मोबाइल भी हम लोग के द्वारा बरामद किया गया। और उनके द्वारा ही उनका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था उन्होंने इस पूरे घटना का खुलासा किया और तत्पश्चात पुलिस ने काम तत्पर कार्रवाई करते हुए जो उसका मीडिएटर था उसको भी गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी गिरफ्तार किया गया। अभी वर्तमान में इस घटना में सिर्फ एक अभियुक्त जो कि है सुजीत, वो गिरफ्तार करना बाकी है, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इन लोगों पे क्या यूपी में मामले दर्ज है, सिर्फ बिहार के अलग अलग जो लोग पकड़े गए हैं इन पे 3 मामले दर्ज हैं। इसमें फुलवरिया थाना का मामला है, एक मुफस्सिल सिवान में लूट की घटना की गई थी इनके द्वारा वो भी दर्ज है और एक मीरगंज में जो रंगदारी का मामला है वो दर्ज है। सर इनके पास से क्या क्या चीज़ बरामद हुई? इनके पास से एक पिस्टल मिला है और कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं और साथ ही जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी उस मोबाइल के जो कॉल हिस्ट्री है उसमें भी हम लोग जाके देखे हैं कि इसमें फ़ोन करके और रंगदारी मांगी गई, वो मोबाइल बरामद हुआ और एक चाकू भी बरामद हुआ। कब से सर ये इस तरह का अंजाम देते थे? इनका मैंने आप जैसे आपको बताया कि इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। दिसंबर माह में इनका भी ये घटना किए हैं, 2022 में भी इन्होंने मुफस्सिल सिवान में एक मोटरसाइकिल लूटा था। मैंने कल चैनल्स में हमने देखा कि कुछ संदिग्ध ऑपरेशन हुए, उसके बारे में मैं आपको अवगत करना चाह रहा हूँ। हालांकि इस चैनल ने ये भी चलाया कि परिजन उसी दिन से काम बयान चलाया है और ये चलाया कि दो व्यक्तियों की संदिग्ध मौत है, जिसमें कि एक व्यक्ति के परिजन कुछ बता नहीं पा रहे हैं और दूसरे में एक परिजन दो परिजन में से एक परिजन कहते आ रहे हैं और उन्होंने लिखा। मैं पुनः इस बात को कहना चाह रहा हूँ
कि आप सभी लोगों से भी मैं मदद की गुहार कर रहा हूँ, यदि कहीं के सोर्स हैं कि आप रहते हैं फील्ड में, हमारा टीम हमारी टीम भी रहती है, कहीं सोर्स है तो सोर्स से हमें अवगत कराया जाए, क्योंकि अभी तक जितने रेड हुए हैं, जितनी छापेमारी हुई है और हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है, उसके आधार पर उस आसपास में कहीं शराब की बरामदगी नहीं हुई है। दूसरी बात कि दो में से एक परिजन कह रहे हैं, तो ये मैंने किसी के साथ उसको जाते हुए देखा होगा, कहीं वो जाते थे तो उसके बारे में बता सकते हैं या आप लोग भी हमें बता सकते हैं। तीसरा, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति का संदिग्ध केस हुआ है, हो सकता है किसी कोई अपने घर ले जाकर के बुलाया हो, कुछ कहर दे दिया हो, हुई तो जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है संदिग्ध मौत उसको चलाना तो मैं पुनः डेथ के कारणों का और संदिग्ध होने का मैं खंडन करता हूँ। यदि परिवार वालों को किसी पे किसी भी प्रकार का कोई शक है तो वो हमारे थाने में एफआईआर कराएं। मेरा एसपी साहब का हमारे एसडीओ सभी का नंबर होते हैं, हमें सूचित करें ताकि हम दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकें, लेकिन शराब से दूर होने का मैं खंडन करता हूँ। जो परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं तो वो क्या है? सर, परिवार वाले जो मैंने फुटेज देखा है न्यूज 18, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, परिवार में कौन व्यक्ति है वो उस मृतक का कौन है ये स्पष्ट नहीं। ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरे व्यक्ति से वहाँ पे ले लिया हो और उसका उसमें किसी ने स्पष्ट नहीं कहा है कि हाँ वहाँ गए थे और वहाँ जाकर के इनके साथ बैठे थे और बैठने के साथ ऐसी घटना, उन्होंने भी आशंका जाहिर की। तो जब तक किसी चीज़ में कन्फर्मेशन नहीं हो तब तक उसको सर जो मौतें हो रही हैं, जो मौतें हो रही है या संदिग्ध चलाई जा रही है तो उसे क्या कहा जाए? जो जिस तरह से मौतें संदिग्धता के संबंध में उसके परिजन बता सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन बता सकता है कि हाँ वो वहाँ गए थे, यहाँ बैठे थे, उन्होंने उसका सेवन किया और इस आधार पे हुआ, तो जहाँ भी